जो देश के लिए हमेशा साथ में लड़े, आज दुश्मन बन क्यों आमने सामने खड़े? रुक जाओ! चला गोली अभिजीत! दया! उनकी कहानी अभी बाकी है, जिनका बस नाम ही काफी है। CID वापस आ रहा है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। सब कोशिश कर रहा हूँ रिलैक्स होने की, पर पता नहीं एक अजीब से बेचैनी है। जब तक अभिजीत होश में नहीं आ जाता ये टेंशन बनी रहेगी। नो नर्स, नो, वो एक CID ऑफिसर एडमिट है, वो कहाँ है? कैसा अभिजीत? वो ठीक तो है ना? तुम मिले अभिजीत से? नहीं, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है अंदर। अभी तक ट्रीटमेंट चल रहा है? भगवान, ठीक हो जाएगा ना? रिलैक्स, कुछ नहीं होगा अभिजीत को, कुछ नहीं होगा उसे। आप मिले अभिजीत? कैसी थी तबीयत? तारिका, हम लोग डॉक्टर हैं। डॉक्टर से ना, तुम जानती हो ना, साइंस कभी भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ती है, आखिरी पल तक नहीं। अभी डॉक्टर आएगा, हम उससे पूछेंगे, लेकिन विश्वास रखो अभिजीत को कुछ भी नहीं होगा। He's a strong man. डॉक्टर साहब, अभिजीत कैसा है? फिक्र की कोई बात नहीं, अब वो खतरे से बाहर है। क्या बोला था मैंने? मैं अंदर जाके मिल के आता हूँ। नहीं, अभी नहीं, अभी उन्हें होश नहीं आया है। अच्छा, कब तक होश में आ जाएगा वो? यही कोई 2-3 घंटे में। डॉक्टर, हाँ प्लीज एक बार उन्हें देख सकते हैं? देखिए, अभी मिलने से कोई फायदा नहीं, अभी वो होश में नहीं है। डॉक्टर साहब, किस चीज ने काटा अभिजीत को? देखिए, काटा तो किसी जंगली कीड़े ने ही था, लेकिन ये कीड़ा कौन सा था ये मैं नहीं कह सकता। हाँ, इतना जरूर है कि ये कीड़ा था बहुत जहरीला। अगर अभिजीत जी वक्त पर यहाँ नहीं पहुंचते तो कुछ भी हो सकता था। कमाल है यार, ऐसा कौन सा कीड़ा था जिसका जहर इतना पावरफुल था कि अभिजीत की जान खतरे में पड़ गई? दया, मैं एक बार चेक करता हूं। तारिका, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा अभिजीत को। मेडिकल प्रोफेशन में इंसान को अपने इमोशन पर काबू रखना पड़ता है ना?
बट ये देखो, वाकई बहुत जहरीला कीड़ा था, पूरा हाथ सूज गया है। तारिका, अगर जहरीले कीड़े ने काटा है तो कहीं ना कहीं डंक तो होगा अंदर। मैंने ये कीड़े का डंक निकाल लिया है अभिजीत की बॉडी में से। एक काम करते हैं, हम इसे लैब में ले जाते हैं, पता लगाते हैं आखिर ये है कौन सा कीड़ा जो इतना जहरीला है। आई होप ये जहरीला कीड़ा किसी और को ना काट ले। ऐसी अजीब सी जगह है यार, कोई गाड़ी भी नहीं दिखती कि लिफ्ट ले लें। थोड़ा इंतजार करते हैं, कोई ना कोई आ जाएगा। इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, रात ज्यादा हो चुकी है और वैसे भी इतना भयंकर जंगल, सब कुछ अजीब सा है यहाँ पर। मैं काम करता हूँ, मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ, हो सकता है गाड़ी चालू हो जाए। हाँ ठीक है, देख। लगता है इसे किसी जहरीले कीड़े ने काटा है। एम्बुलेंस को फोन कर जल्दी। जतिन, 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 जल्दी कर। अरे इस गंगोर जंगल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा यार, हमें कुछ करना पड़ेगा। जतिन आंखें खोल। ये आवाज कैसी है? हाँ यार, आवाज तो मुझे भी आई। इतने सारे बिच्छू। सर, जिस आदमी ने हमें इन्फॉर्म किया था वो तो यहाँ पे है ही नहीं। क्या चला गया होगा? पर सर, ये तीनों इतनी सुनसान जगह पे कर क्या रहे थे? हो सकता है इनकी गाड़ी खराब हो गई हो। स्टार्ट करके देखो, वो स्टार्ट होती है या नहीं। ये देखो, शरीर पे काटने का ठीक वैसा ही निशान है जैसे अभिजीत के था। तो मतलब इन तीनों लड़कों को भी उसी कीड़े ने काटा होगा। और अभिजीत के साथ ये हादसा यहाँ से 25 किलोमीटर दूर हुआ था। अगर ये कीड़ा पूरे शहर में फैला हुआ है तो आम आदमी के लिए खतरा हो सकता है। सर, हाँ? सर, इसके पैर पे ठीक वैसा ही निशान है। एम्बुलेंस को बुलाओ, इन तीनों बॉडी को ले जाओ। सर,
हाँ पूर्वी क्या हुआ? सर ये देखिए, इसके गले पर यहाँ पर डंक का निशान और इसके हाथों पर किसी की उंगलियों के निशान। एक काम करो पूर्वी, ये उंगलियों के निशान उठा लो और इन तीनों के हाथों के निशान से मैच करके देखो। अगर मैच नहीं होता है तो इसका मतलब है यहाँ कोई और भी था। सर, आपका अंदाजा सही निकला, गाड़ी खराब है, स्टार्ट नहीं हो रही है। हेलो, सर जल्दी इधर आइए। क्या हुआ अंकल? सर मैंने दो बिच्छू अभी यहाँ से भागते हुए देखे। सर बिच्छू? इन तीनों की मौत बिच्छू के जहर से हुई है या फिर किसी और चीज से, तो डॉक्टर सलूंखे ही बताएंगे। इस बार खाली हाथ जाने के लिए नहीं आया। अरे यार, कभी खाली हाथ भेजा है मैंने तुमको? ना कभी पहले भेजा है ना आज भेजूंगा। कहो तो एक एक बिच्छू रख दूं सबके हाथ में। बिच्छू? जी हाँ, बिच्छू। ये देखो, जानते हो क्या है? बिच्छू का डंक? जी नहीं, ये बिच्छू का डंक नहीं है, ये एक छोटा सा इंजेक्शन है। इतना छोटा सा इंजेक्शन जो दिखता बिच्छू के डंक की तरह से है, मगर बिच्छू का डंक है नहीं। सर यानी कि खूनी ने इस इंजेक्शन का इस्तेमाल लोगों पे बिच्छू के डंक की तरह किया। एग्जैक्टली, और उसने उस इंजेक्शन पर बिच्छू का जहर भी लगाया था, लेकिन नेचुरल जहर नहीं, सिंथेसाइज जहर, लैब में बनाया हुआ। तो फिर जरूर किसी बिच्छू के जहर से ज्यादा जहरीला होगा ये ज्यादा जहरीला, जो इस इंजेक्शन के जरिए इन लोगों को दिया गया ताकि हमें लगे कि ये किसी बिच्छू का डंक है। एक बात और बॉस, अभिजीत की जान बच गई सिर्फ इसलिए क्योंकि अभिजीत के शरीर में कम मात्रा में जहर था बनिस्पत इन तीनों लड़कों के जहर से। अच्छा, लेकिन सर ऐसा कोई करेगा क्यों? हाँ सर, किसी भी खून के पीछे ज्यादातर तीन ही वजह होती है, प्यार, पैसा या बदला, मगर इस केस में तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। वजह जो कुछ भी हो, हमें जल्दी से जल्दी इस खूनी को पकड़ना चाहिए, जल्दी से जल्दी, वरना न जाने कितने लोगों की जाने जाएगी। सलूंखे? हाँ। ये जो इसके बाजू पर निशान है, कैसा निशान है? बस ये निशान किसी आदमी के हाथ का है। किसी आदमी के हाथ का निशान? कहीं ये निशान उस खूनी के हाथ का तो नहीं? हो सकता है बॉस, मैंने इसका प्रिंट निकाल लिया बॉस, इसकी रिपोर्ट आपको ब्यूरो में भेजता हूँ। ग्रेट वर्क। क्या ख्याल है, अब तो नहीं कहोगे ना खाली हाथ भेजता हूँ? अब एक काम चोर और भी काम है। अब ये बता, क्या तू जानता है किसी कंपनी के बारे में या किसी लेबोरेटरी के बारे में जहां पर बिच्छू का जहर बनता है? जानता है? नहीं बॉस, जहां तक मेरी जानकारी है इस शहर में तो क्या पूरे मुल्क में ऐसी कोई लैब नहीं हो सकती है जहां पर इस किस्म का जहर बनाया जा सके। लगता है जिसकी भी ये करनी है कोई रिसर्च साइंटिस्ट ही है जो पॉइजन में खास जानकारी रखता होगा, और ये सारा पॉइजन वो अपने खास लेबोरेटरी में, पर्सनल लेबोरेटरी में ही बनाता होगा, और उसके लिए उसे बिच्छू तो लगते ही होंगे जो चोरी छिपे इकट्ठा करता होगा। अरे फ्रेडी, पंकज, सबके सब कहां चले गए?
तारिका जी का फोन? हाँ तारिका जी, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ. मैं इधर ही ब्यूरो आया था. अरे और कितना करूं आराम भाई? अरे देखिए मैं गुस्सा मत करो. मैं अच्छा मैं जल्दी चला जाऊंगा यहां से. नहीं यहां पे कोई दिख नहीं रहा है. और फॉरेंसिक में मैं भी आता हूं. सब निकल गए? हाँ तो ठीक है ना, फिर तो आता ही हूँ, मुलाकात हो जाएगी आपसे. अरे अभिजीत कैसे हो तुम? नहीं प्लान कैंसिल. ये सर अब ठीक हो? हाँ सर अब काफी ठीक है सर. अरे कुछ दिन आराम कर लेते. सर तीन तीन खून हो गए, खूनी अभी भी घूम रहा है. जब तक उस सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाता सर, आराम का कोई मतलब नहीं. हाँ ये बात तो है. अभिजीत उस रात जब ये सब हुआ तब का कुछ याद है तुम्हें? आसपास कोई था या कुछ देखा तुमने? सर उस रात में एसीपी साहब का फोन. यस सर. सर वो सोमेश वाला सर. सर वो हेलो सर. सर एक मिनट, सिग्नल शायद कम है सर. यस सर. हेलो जी सर. सर वो सोमेश वाले केस में दोनों गवाह जो थे, हाँ सर उनको ट्रैक कर लिया सर. जी जी नहीं, एक को तो हमने रखा हुआ है अपने कस्टडी में और दूसरे. हेलो अभिजीत. अभिजीत क्या हुआ, तुम ठीक हो? हेलो अभिजीत. अभिजीत मतलब उस वक्त तुम्हारे आसपास कोई भी नहीं था? नहीं सर. कमाल है, अगर तुम्हारे आसपास कोई भी नहीं था तो फिर उस खूनी ने वो सुई तुम्हारे शरीर के अंदर चुबोई कैसे? क्या सुई? हाँ सर, सालुंखे साहब ने बताया कि सुई के ऊपर कोई बिच्छू का सिंथेटिक जहर लगाकर ये सब कुछ कर रहा है. मतलब सर खूनी शायद स्टन गन का इस्तेमाल कर रहा है. हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. बड़ा चालाक है ये खूनी, बड़ा चालाक है. लेकिन ज्यादा दिन नहीं बचेगा ये हमारे हाथ से. अभिजीत एक बात तो है कि ये जरूर खुद ही बिच्छू पकड़ता होगा, इकट्ठे करता होगा. तो कभी ना कभी तो बिच्छू ने काटा होगा इसे, है ना? पॉइजन सेल से पता चल सकता है. आज इस दया को कैसे याद किया? मैं याद नहीं कर सकती क्या? अरे मुझे तो लगा मैं आपको जब चाहे तब बात कर सकती हूँ. हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकती है. आप उस दिन हमारे गोकुलधाम सोसाइटी वालों के लिए मीठे लाए थे ना? आपके लिए हमने खास जलेबी लाई है. अरे और साथ में गर्मा गर्म फाफड़ा भी. अरे 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 इसके लिए आप सबको दिल से थैंक यू. अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, वैसे भी मिठाई खाने का मजा तो तब है जब वो मिल बांट के खाई जाए. ये तो आपने एकदम सही बोला दया भाई. अच्छा चलो दया भाई मैं फाड़ रखती हूँ. क्या है टप्पू के पापा को दुकान चलने का टाइम हो गया है और मुझे टिफिन बनाना है, वरना फिर वो है ना बाहर का अचर कुचर खाते रहेंगे. ठीक है बाय.
अच्छा जेठालाल को मेरी तरफ से नमस्कार कहिएगा, ठीक है? ठीक है, बाय। बाय। दया बहन काफी खुश लग रही है, अच्छा हुआ उनकी समस्या दूर हो गई। हाँ काबिन, पहुंच गए भोजन सेल, मुझे इन्फॉर्म करते रहना, ठीक है? अब जैसे ही इस केमिकल का टेम्परेचर 86 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाएगा, इसका रंग अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। सर, सीआईडी वाले आए हैं। सीआईडी वाले? जी। जी कहिए ऑफिसर, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? डॉक्टर साहब, हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आपके यहाँ अक्सर ऐसे लोग आते हैं इलाज कराने जिन्हें किसी जहरीले कीड़े मकोड़े या बिच्छू ने काटा हो, उसी के बारे में पता करना था। जी हाँ, क्या आपके किसी जान पहचान वाले को भी? हाँ, लेकिन आज हम एक मुजरिम की तलाश में आए हैं, एक ऐसा इंसान जो अलग अलग बिच्छुओं को पालता हो और फिर उनका जहर निकाल के उन्हें मिक्स करता है और उस जहर का इस्तेमाल वो मासूम लोगों पे करता है उन्हें मारने के लिए। कोई इंसान इतना निर्दयी, इतना विल कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि आपके इस क्लिनिक में पिछले कुछ दिनों में ऐसा कोई भी इंसान यहाँ आया है जिसे बिच्छुओं ने काटा हो कई बार, और वो भी अलग अलग किस्म के बिच्छुओं ने? अलग अलग बिच्छुओं ने? क्योंकि जो इंसान दिन रात अलग अलग बिच्छुओं का जहर निकालता है उसे तो दो चार डंग लग ही जाते होंगे। हाँ, ओ मंगेश करके एक आदमी है जो यहाँ पर पहले भी 3-4 बार आ चुका है बिच्छू के जहर का इलाज करने के लिए, और उसे जब भी काटा है अलग अलग बिच्छुओं ने ही काटा है। अरे हाँ, मैंने तो सोचा था कि उसे अलग अलग बिच्छू पकड़ने का शौक है। कोई आदमी बिच्छू पालने का शौक क्यों रखेगा? आपके पास उसका एड्रेस या नंबर कुछ है? नंबर और एड्रेस तो नहीं है, पर आज वो यहाँ पर आने वाला है बिच्छू के जहर का इलाज करवाने के लिए। आएगा तो जरूर, मगर अब उसका बचना मुश्किल है। लेकिन क्यों, ऐसा क्या हुआ उसे? इतनी बार बिच्छुओं ने काटा है उसे के अब तो हमारी दवाई ने भी काम करना बंद कर दिया है। तो फिर ठीक है, अब हम भी मिल लेते हैं इस बिच्छुओं के शौकीन से। तुम इंप्रेशन मैच किया क्रिमिनल डेटाबेस से? किया सर, मगर कोई मैच नहीं मिला। और तो और कोई भी गवाह या कोई भी सस्पेक्ट ऐसा नहीं है जिसका हाथ एसिड से जला हुआ। रहे कौन ये? किसका हाथ हो सकता है ये? श्रेया, कुछ न कुछ तो है जो हमारी आंखों से छूट रहा है क्या? इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई सर, अब हम लोग हर वो चीज देख पाएंगे जो इंसानी क्षमता से बाहर है। तुम्हारी तबीयत ठीक है? मुझे लगा ही था सर आप मेरी बात सुनकर मुझे ऐसा ही डांटेंगे, लेकिन सर जब आपको पता चलेगा कि ये कौन है तो शायद खुश होकर आप मुझे प्रमोशन देंगे। अच्छा, ऐसा कौन सा तीर चलाया तुमने है? सर ये दामोदर जी है, दामोदर जी ये उस हाथ को देखकर ये बता देंगे जो हमारा क्रिमिनल डेटाबेस नहीं बता पाया। मतलब तुम्हारा खबरी है? नहीं सर, मैं प्रॉमिस्ड हूं सर, लोगों के हाथों की रेखा मतलब हस्त रेखाएं देखकर उनका भविष्य बताता हूं मैं। हस्त रेखा? सर एक मौका तो दीजिए, अगर आपको मेरी कला से संतुष्टि ना हो तो मैं बिना पैसे लिए यहाँ से वापस चले जाऊंगा। सर आप एक पामिस्ट को यहाँ ले आए? हाँ, देखो इस केस में हमें अंगूठे का निशान मिला है ना, तो मैंने सोचा कि हस्तरेखा देखने वाले को बुला लेता हूँ, शायद वो हमारी तहकीकात को आगे बढ़ा सकता है। अरे क्या बताऊँ श्रेया, मेरा हाथ देखकर उसने बता दिया कि मैं अपनी वाइफ से बहुत डरता हूँ। उसके लिए हाथ देखने की क्या जरूरत है? दामोदर जी जाइए, आप गलत जगह पर आ गए।
किसी आदमी का हाथ लगता है मुझे। ऐसा आदमी जो बहुत ही चालाक और कपटी है, इतना कपटी कि अगर इसने अपनी अकल का गलत इस्तेमाल किया तो इंसानों के लिए ये बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ? कान खजूरी ने काट लिया, बहुत दर्द हो रहा है। घबरा मत, वहां जाके लेट जाओ। क्या फिर से बिच्छू ने किस कर दिया क्या? आप तो जानते हो डॉक्टर साहब, मेरी और बिच्छू की प्रेम कहानी। प्रेम कहानी? एक प्रेम कहानी और भी है सीआईडी और मुजरिम के बीच में। सीआईडी? क्या हुआ सर? He's dead. सर ये अचानक गिरते के साथ कैसे मर गया? जिस बात का डर था पूर्वी वही हुआ, पिच्छू के जहर ने असर दिखा दिया। ये देखो बॉस, इसके शरीर में कितना ज्यादा जहर भरा हुआ है। सर ये जहर बिच्छुओं का ही है। हाँ कावे बॉस, ये मंगेश बिच्छुओं के जहर से ही मारा गया है। सर ये मंगेश तो बड़ा ही सरफिरा था। हाँ सर, बिच्छुओं के जहर से ये औरों को मारता था और अब खुद भी मर गया। सर मंगेश ने बाकी लोगों को नहीं मारा। क्या मतलब है तुम्हारा? सर मंगेश के अंगूठे और हाथों के निशान उस निशान से मैच नहीं करते जो हमें विक्टिम के शरीर पे से मिले थे। इसका मतलब खूनी कोई और ही है। सर जरूर उस खूनी ने मंगेश को पैसे दिए होंगे, इसीलिए उस खूनी के कहने पे मंगेश ने ये बिच्छुओं का खेल रचा। मगर सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस सब के पीछे खूनी का मकसद क्या हो सकता है? मकसद जो भी हो श्रेया, लेकिन हम मकसद के जरिए नहीं, उन जहरीले बिच्छुओं के जरिए उस खूनी तक पहुंचेंगे। लेकिन पहले हमें ये पता लगाना चाहिए कि ये खूनी ये जहरीले बिच्छू लाता कहां से है, इकट्ठा कहां से करता है। सर शायद घने जंगलों में जाके बिच्छू पकड़ता होगा। घने जंगलों में? नहीं फ्रेडी, मुझे तो लगता है ये कोई ऐसे आदमी से खरीदता होगा ये सारे जहरीले बिच्छू जो तस्करी करता है, जहरीले सांप नेवले कीड़ों की। सर अगर ऐसा है तो फिर हम लोग इस तस्करी करने वाले तक पहुंचेंगे कैसे? काम पे लगा दो अपने खबरियों को।
लगा दो उनको काम पे, बाजार में खबर फैला दो कि कोई बड़ा गिराक आया है जहरीले बिच्छू खरीदने के लिए, जहरीले बिच्छू। सीआईडी की ड्यूटी में क्या क्या करना पड़ता है। ए भाई, अरे जल्दी से एक जूस दे रे, बहुत गर्मी है। सादा ठंडा? ठंडा नहीं, बर्फ नहीं डालना, सादा दे सादा। अरे बांसुरी कितने का दिया? कौन सा ये? हाँ ये बांसुरी है 200 रुपए का, लेकिन तेरे को मैं 250 में दूंगा। अरे मेरे लिए इतना महंगा क्यों? क्योंकि तेरे शर्ट का कलर मेरे को पसंद नहीं आया। जा जाके शर्ट चेंज करके आ, वरना 250 रुपए में ले। पैसे तो अब तू देगा। लट्टू भाई का फोन आया था, बिच्छू तैयार है। कितना चाहिए? 40। ठीक है, मिल जाएगा। बात याद है ना, पैसा पूरा नकद चाहिए, 40 लाख रुपया। एक बिच्छू कितने का है? फोन पे बताया था ना, पूरा पैसा अपने को नकद चाहिए, 40 लाख रुपया। 40 लाख? इतना महंगा? मांगता है तो ले, नहीं तो रास्ता ना। अरे नहीं नहीं नहीं, चाहिए मेरे को। हाँ ठीक है, तो 1 घंटे बाद आ जा मेरे साथ, चल। जूस दे फटाफट। हाँ ये ले। हेलो दया सर, सर मैं हाथी बाबू मार्ग पे हूँ। सर प्लीज जरा टाइम पे आ जाना, अगर इन्हें शक हो गया तो ये लोग मेरे ऊपर बिच्छू छोड़ देंगे। ओके सर। चलना जल्दी कर। चल रे जल्दी आ। चलो। हाँ चलना। क्या भाई? ये रुको। क्या बैग में? हाँ माल है। अरे छोड़ ना भाई, अपना ही कस्टमर है। जो भी होंगे, भाई का ऑर्डर है। ठीक है चल। चला जा। चले श्रवा। अरे आना, क्या करता है लट्टू भाई? यही वो आदमी है जिसको बिच्छू मांगता है। लट्टू ये कैसा नाम है? ए भाई का मजाक उड़ाता है, मरना है तुझे। ए नाम पे मत जा, काम से काम रख, समझा? अच्छा एक बात बता, तुझे बिच्छू चाहिए क्यों? मेरी शादी में है ना, बाराती नाचे नहीं थे, इसलिए बिच्छू चाहिए नचाने के लिए। तू अपने काम से काम रख। चल काम से काम रखता है, पैसा रख। एक मिनट। ये लो पूरे 40 लाख है। वेरी गुड। अच्छा एक काम कर, इस बक्से में भी 40 के 40 बिच्छू है, चल ले जा। हाँ
सर अभी तक आए नहीं। क्या हुआ, डर गए क्या? नहीं नहीं नहीं, पहले एक काम करो, एक बिच्छू निकालो, उसको नचा के दिखाओ। ये दिमाग ठीक है ना तेरा? दिमाग ठीक है, 40 लाख रुपए दे रहा हूं, बिच्छू नाचना मांगता है वरना मेरा पैसा वापस करो। ए, आवाज बंद कर, एक फूटी कौड़ी वापस नहीं मिलेगी तेरे को। अगर बिच्छू चाहिए तो बक्सा उठाने, तो चल फूटे आते। जहर बहुत बेच लिया तूने, अब सीआईडी का जहर चख ले। साहब, साहब, गलती हुई साहब, माफ कर दीजिए साहब, मैं दोबारा ये गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। सिर्फ बिच्छू की तस्करी नहीं की है तूने, सीआईडी पे गोलियां भी चलाई है, समझा? गलती हो गई साहब, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, एक मौका दीजिए साहब मुझे सुधरने का। अच्छा ठीक है, पहले ये बता कि पिछले कुछ दिनों में कोई आदमी आया था तेरे पास बहुत सारे बिच्छू खरीदने के लिए? हाँ आया तो था साहब, लेकिन मैं जानता नहीं वो है कौन। कहाँ मिला था वो? मिडनाइट पब साहब, उसने मुझसे किसी सुनसान रास्ते पर डिलीवरी मंगवाई थी बिच्छू की। नाम, नंबर, एड्रेस वगैरह है कुछ उसका? जी नहीं, लेकिन उसने बताया था कि अगर उससे मिलना है तो पब में संदेश छोड़ दे। अच्छा हाँ साहब, तो चल संदेश देने का वक्त आ गया, चल। सबसे जहरीले बिच्छू लाया हो, देखेगा तो तबीयत खुश हो जाएगी। देखिए और पूछ पूछ ला बिच्छू ला। हम दोनों भी बिच्छू ही हैं, सीआईडी के बिच्छू। सीआईडी? निकल! पकड़ो उसे! भाई निकल! निकल! जल्दी आइए सर, जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी। तक भागेगा तू, हैं?
बिच्छू का जहर देने का बहुत शौक है तुझे, हैं? जरा मुखड़ा तो दिखा अपना। अरे वाह, तू? मैं एक बार्टेंडर नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक हूं जिसे सरकार पैसे देती है। सर, किस चीज का रिसर्च हो रहा था? सरकार को लग रहा था कि मैं भिन्न भिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़ों पर रिसर्च कर रहा, मगर मेरा असली टॉपिक इंसानी बिच्छुओं का आविष्कार करना था। इंसानी बिच्छू? हाँ, लोगों को जहर देने के पीछे मेरा मकसद एक्सपेरिमेंट था। अलग अलग लोगों पर अलग अलग मात्रा में जहर कैसे असर करता, मगर जब सरकार को पता चला कि मैं किसी गलत रिसर्च पर काम कर रहा हूं, तो उन्होंने आर्थिक मदद देना बंद कर दिया। तो क्या गलत किया सरकार ने, हाँ? तुम्हारे इस पागलपन की वजह से कितने मासूम लोगों की जाने गई पता? उनको इसी गन से मारा था ना तुमने, इसी गन से? मैंने क्या गलत किया? तुम्हारे इस पागलपन की एक ही सजा हो सकती है, फांस। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।